दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कद्दू के बीज के बारे में। कलरफुल वेजेस में कद्दू हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी फेवरेट भी, बट इसका बीज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके जाने हम इसको अक्सर फेंक देते हैं। देखिए कद्दू का बीज जो होता है ना, वो वेस्ट प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने की वजह से ये प्रोटीन जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। इसमें ढेरों सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस और फाइबर भी मौजूद है, जो इस फूड को हमारे लिए एक सुपर फूड बनाता है। अक्सर हम घर में इसको फेंक देते हैं, बट अगर आप अमेज़न पे थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करो तो ये 300, 400, 500 रुपए में थोड़े थोड़े बीज बिकते हैं। आप सोच सकते हो ये कितना हेल्दी होता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदों के बारे में बताया गया है और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमें मदद भी करता है। चलिए थोड़ा पहले ये बात कर ले कि हमें इसको कितना और कैसे लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी कैलोरीज भी मौजूद है और वेज प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसीलिए कितना खाना चाहिए इसकी सही जानकारी भी होनी जरूरी है। एक्सपर्ट से बताते हैं कि एडल्ट जो होते हैं वो दिन में, पूरे दिन में 15 से 25 ग्राम के बीज इसका इस्तेमाल या इसको खा सकते हैं। ये इतना आसान होता है लेना कि आप इस बीज को सुखा के स्टोर भी कर सकते हो घर में। ये बिल्कुल बादाम जैसा टेस्ट में आता है। इसको आप खाने में मिला के भी इसके टेस्ट को एनहांस कर सकते हो, वही सब सलाद में डाल के भी ले सकते हो। सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स के साथ भी आप इसको मिला के खा सकते हो, या फिर आप ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हो, थोड़ा सा हल्का ऑयल में फ्राई करके भी खा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लो ना, तो आई मस्ट श्योर कि इसको आगे से आप फेंकोगे नहीं। देखिए ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और ढेरों सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। दोस्तों इसे मिलने वाले मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट इसको रोज थोड़ा थोड़ा करके खाने लगे तो डेफिनेटली दवाई के साथ साथ ये भी बहुत अच्छा असर करते हैं उनके लिए। दोस्तों ये आपके नींद को भी बेहतर बनाता है। कैसे? इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक ऐसा अमाइनो एसिड पाया जाता है जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को बेटर बनाने में काफी मदद करता है। दोस्तों ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जो मैग्नीशियम होता है, वंस अगेन वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होने की वजह से ये आपके हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है और ये हाई कैलोरी है तो इसकी वजह से काफी फुलर भी आप फील करते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें खास तौर से अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर भी होती है, जो आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, ज्यादा भूख नहीं लगने देता, जिससे वेट मैनेजमेंट में काफी आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे बोन्स के लिए यानी कि हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। ये हाजमे को बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज लाइक स्पेशली जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और प्रोटीन सोर्स जो है वो काफी अच्छी तरीके से टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे कि इसमें काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसको ज्यादा लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो सकती है। पेट में दर्द होना, पेट का फूल जाना, वजन बढ़ने की भी शिकायत आपको हो सकती है। और स्पेशली जिनको हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा जिनकी वैसे ही कम है, वो इनको बिल्कुल मात्रा में ले। दोस्तों ये जितना फायदेमंद होता है आपके लिए, इसका थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लो। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिन में एक एडल्ट जो है वो 15 से 25 ग्राम के बीच में ले सकता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि उतना ही दिन में ले और इसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, थैंक यू, बाय बाय।